साथियों, पीलीभीत की धरती पर माता यशवंतरी देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देशभर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या? साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की। लेकिन साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली। लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो, एक ऐसी पार्टी है भाई? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं। भाई बहनों, याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे? साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है
कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा, सीएए का भी विरोध कर रही है।